नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांश और स्वागत है आपका आज किसी कॉल नए वाले वीडियो में। आज की इस वीडियो में भाई 407 तो पहले भी आ चुका है, बट वो आया था अपने पास में कैबिन लोड बॉडी वाला 3300 mm व्हील बेस वाला, वो मैं लेके आया था आप लोगों के लिए। तो बेसिक कॉन्फिगरेशन से अपन स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पढ़ के बता देते हैं आप लोगों को, जैसे कि ये अपना आ रहा था टाटा 460 गोल्ड SFC DCR 29 CVC, मतलब कैबिन और बॉडी चेसिस। ओके, और कॉन्फिगरेशन बता देता हूँ उसका, मेरे को पढ़ने में मजा आ रहा है। तो ये अपने पास आ गया 100 B6 M5 और पावर स्टीयरिंग, फर्स्ट वेंट VA DC ब्रेक सिस्टम वगैरह आ गया, 4SPCR का BS6 फेज 2 वाला इंजन आप लोगों को इंजन देखने को मिल जाएगा। चिट छोड़ो, वैसे बताता हूँ 100 HP का इसमें आप लोगों को इंजन देखने को मिलता है, जो कि 300 Nm की टॉर्क निकाल के देता है। 4SPCR वाला फोर सिलेंडर का डीजल इंजन ये रहने वाला है। व्हील बेस इसमें कम आ गई, मतलब 2900 mm की व्हील बेस इसमें आप लोगों को देखने को मिल जा रही है, तो आप लोगों को 21% की ग्रेडेबिलिटी भी इसमें देखने को मिल जाएगी। वहीं और बात करें कुछ और फीचर्स की, उसमें सेमी इलेक्ट्रिकल स्टीयरिंग वाला सस्पेंशन फ्रंट और रियर में देखने को मिल जाता है। बाकी एक्सप्लोर करते हैं इसको पास से। तो भाई वर्कशॉप के अंदर तो थोड़ा बहुत अपन को मैनेज करना पड़ेगा, तो स्टार्ट करते हैं इसकी की से। तो की का कॉन्फिगरेशन आप लोगों को कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, की का कॉन्फिगरेशन कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। इसमें एक डेफ की और एक फ्यूल की आप लोगों को कॉन्फिगरेशन के साथ मिल जाती है। टाटा का लोगो ऐसा देखने को मिल ही जाएगा। बाकी फ्रंट से की गाड़ी आप लोगों को ऐसे देखने को मिलने वाली है, जो आप लोगों को ऐसा देखने को मिलने वाला है। इसमें मैट कलर में टाटा की ब्रांडिंग मिल जाएगी और क्रोम कलर में आप लोगों को टाटा का लोगो देखने को मिल जाएगा। फ्रंट ब्लैक अच्छे खासी फिनिशिंग आ रखी है। बाकी डुअल टोन बम्पर आता है ही, प्लास्टिक ही रहता है, स्टेपर का कॉन्फिगरेशन रहता है, ग्रैब हैंडल का कॉन्फिगरेशन रहता है ही। और बाकी एक और चीज़ दिखा देता हूँ भाई, स्टेबलाइजर इसमें भी आ गया है। इसके लिए वाइपर के लिए टाटा ने स्टेबलाइजर ऑलमोस्ट हर गाड़ी में देना शुरू कर दिया है, मेरे को तो ये लग रहा है। हेडलैम्प्स का कॉन्फिगरेशन ऐसा रहेगा, बाइपिंग हेडलैम्प्स इसमें आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। इंडिकेटर्स का कॉन्फिगरेशन ऐसा है फ्रंट में, और साइड फेंडर माउंटेड इंडिकेटर्स मिल ही जाएंगे। और अपन स्टार्ट करते हैं इधर से। तो ये आप लोगों को टाटा 407 गोल्ड की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। बाकी नीचे आप लोग टॉप हुक की प्लेसमेंट, फॉग लैंप्स के लिए स्पेस, फ्रंट रिफ्लेक्टर्स का कॉन्फिगरेशन मिल जाने वाला है ही। और चीज़ों की बात करें तो आप लोगों को इसके अंदर यहाँ पे दिखाता हूँ, ये आप लोगों को फ्लीट एज इनसाइड टाटा का इसमें मिल जाने वाला है। डबल आप लोगों को ORVMs मिलेंगे इस साइड में, आप लोगों को ब्लाइंड व्यू मिरर भी देखने को मिल जाएगा। और कॉन्फिगरेशन डोर ओपनिंग के लिए काफ़ी ईजी रहता है, इसको पुश करो डोर ओपन हो जाएगा अगर अनलॉक्ड है तो। नीचे स्टेपर्स का कॉन्फिगरेशन मिलने वाला है ही। मेन चीज़ थी कि भाई चेसिस में आप लोगों को क्या क्या कॉन्फिगरेशन देखने को मिलता है, तो स्टार्ट करते हैं उसके कॉन्फिगरेशन से। स्पेयर व्हील मिल जाएगा, बैटरी मिल जाएगी, बैटरी का मास्टर कटआउट मिल जाएगा। चेसिस के कॉन्फिगरेशन में यहाँ तक मैंने बता दिया आप लोगों को, इसमें स्पेयर व्हील का कॉन्फिगरेशन मिल जाएगा, सेमी इलेक्ट्रिकल डी स्प्रिंग्स वाला सस्पेंशन देखने को मिल जाएगा, हाइड्रोलिक ब्रेक्स में ये गाड़ी आ जाती है। बाकी रीजन वाला सिस्टम यहाँ पर कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा, ट्यूबुलर क्रॉस मेम्ब्रेन सपोर्ट्स मिल जाएंगे और ऐसा कुछ चेसिस के बोर्ड लाइन देखने को मिल जाने वाली है। हुक्स की प्लेसमेंट्स मिलेगी अपर मेरे लोड पर ध्यान रखने के लिए, केबिन से आप लोगों को कुछ ऐसा कॉन्फिगरेशन देखने को मिल जाएगा। कैबिन में टिल्टिंग मिलेगी एयर कर्टेंस के हिसाब से, और 12 वोल्ट का बैटरी सिस्टम मिलता है ही। टायर्स की साइज़ की अगर बात करें तो आप लोगों को मिल जाएंगे, ये देख लो भाई 7/8/16 वाले LT टायर्स मिल जाएंगे, जो कि 12 PR के रहने वाले हैं। तो हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर्स मिल जाएंगे, जो कि डबल एक्टिंग वाले रहने वाले हैं। इसके लिए एक्सल के लिए आप लोगों को कॉन्फिगरेशन डबल एक्टिंग में डबल साइड शॉक एब्जॉर्बर्स देखने को मिल जाएंगे। बाकी बॉडी माउंटिंग्स के लिए पॉइंट अच्छे खासे मिल जाएंगे, और यूनी बूस्टर्स वगैरह का कॉन्फिगरेशन हाइड्रोलिक ब्रेक के लिए मिल जाने वाला है ही। सबसे बढ़िया बात मेरे उसमें लगी कि आप वो सिंगल प्रोपेलर शाफ्ट से ट्रांसमिशन से डायरेक्ट एक्सेल में आ रखी है, और चीज़ें तो मिलती रहती हैं ही। ये वाली चीज़ है ना, क्योंकि कोई लोग इसमें आ रखी है ऐसी चीज़ अपने को उसमें मिली थी, जो काउल बॉडी चेसिस था ना, मे बी शायद 42-23 था, उसके अंदर भी ये चीज़ मिली थी। मैंने पूछा था, आप लोगों ने बताया नहीं, फिर से पूछ रहा हूँ ये किस काम में आती है बता देना। रियर के कॉन्फिगरेशन में आप लोगों को टेलर्स को इतनी बड़ी मिल जाएंगी, जिसमें हेलोजन टेलर्स का कॉन्फिगरेशन रहने वाला है। पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे जो अंदर पड़े हैं, बाकी कनेक्टर्स यहीं पर लगे हुए हैं। डॉग बम्पर लगा हुआ मिल ही जाने वाला है। आ जाते हैं ड्राइवर साइड, तो ड्राइवर साइड का कॉन्फिगरेशन ऐसा रहने वाला है। इसमें आप लोगों को वही 7/16 वाले टायर्स मिल जाएंगे, बाकी 60 लीटर का SDP फ्यूल टैंक और 18 लीटर का डेफ टैंक देखने को मिल जाएगा। इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक एंटी थेफ्ट सिस्टम होता है, जिसमें अगर ड्रेनेज हो रहा है फ्यूल टैंक से अचानक से, तो फ्लीट एज एक मैसेज भेज देगा, जिससे आपका एंटी फ्यूल थेफ्ट का सिस्टम देखने को मिल जाता है ही। टोयो की ये पत्तियां मिलती हैं, कमानी पत्तियां, जिनको अपन बता सकते हैं। रीजन वाला इधर मिलता है, जो कि कैटलिटिक कन्वर्टर, DPF डीजल पार्टिकल फिल्टर, सिलेक्टिव कैटलिटिक रिडक्शन वाला सिस्टम वगैरह सब इधर देखने को मिल जाता है। एक ही चीज़ में सब कुछ आता है इस टाटा की गाड़ी में। बाकी अभी चलते हैं अंदर। तो अंदर का कॉन्फिगरेशन ऐसा रहता है, पहले ही मैं बता चुका हूँ कि सीटिंग कंफर्ट वगैरह, तो पीछे वाला वीडियो जाके देख लेना आराम से। स्टेप का कॉन्फिगरेशन यहाँ पे आ गया, चेसिस नंबर की प्लेसमेंट वगैरह यहाँ पे मिलती है। बाकी ये स्टोरेज बॉक्स एक मिलता है ही,
इसके अंदर आप कुछ भी अपना सामान रख सकते हो, मैटिंग लग के आती है जो कि काफ़ी अच्छी बात है, ऐसा कुछ अंदर सा कॉन्फिगरेशन रहता है। इसमें एडजस्टेबल हेडरेस्ट का कॉन्फिगरेशन भी मिल जाता है, बाकी सेमी बकेट फिनिश में सीट मिल जाती है, फैब्रिक का पॉलिस्टिक आती है, 2+1 ड्राइवर का कॉन्फिगरेशन इसके अंदर आता है। और रूम लैम्प की बात करें तो LED में रहने वाला है, जो एक सिंगल सिस्टम भी सपोर्ट करता है। कोट हैंगिंग के लिए स्पेस मिल जाएंगे, सीट बेल्ट मिल जाएंगे, और ये इंटीरियर का पूरा फील मिल जाएगा। बीच में आप लोगों को USB चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगा, नीचे ब्लोअर के मोटर मिल जाएगी, मतलब ब्लोअर की स्पीड एडजस्ट करने के लिए बटन मिल जाएंगे। 5-speed का आप लोगों को गियरबॉक्स देखने को मिल जाएगा, क्रूज कंट्रोल मिल जाएगा, इसी साइड वाइपर्स के कंट्रोल मिल जाएंगे, नया बड़ा वाला आप लोगों को स्टीयरिंग व्हील देखने को मिल जाएगा, हेडलाइट्स के कंट्रोल मिल जाएंगे, और नया वाला मीटर देखने को मिल जाने वाला है ही। उसमें काफ़ी सारे सिस्टम्स आते हैं, जैसे कि मीटर वेलकम हो जा, ये रहा 14.4 किलोमीटर पर लीटर के आप लोगों को इसमें एवरेज देखने को मिल जाएगी। टैकोमीटर, स्पीडोमीटर और स्पीड लिमिटर और फ्यूल गेज, टेम्परेचर गेज, कुछ ऐसा कॉन्फिगरेशन इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। बाकी इसमें से आप इंजन आवर्स की भी देख सकते हो, क्योंकि अपना आप इंजन कितने आवर्स चला है उसके हिसाब से 14.4 किलोमीटर पर लीटर की अपने एवरेज फ्यूल इकोनॉमी इसमें दिखा दी गई है। अरे गियर मेरे को अच्छा लगता है लगा हुआ। बाकी इस साइड आ जाते हैं तो एग्जॉस्ट ब्रेक का कॉन्फिगरेशन में आप लोगों को इस साइड देखने को मिल जाएगा, स्पीकर प्लेसमेंट, ब्लोअर के फैंस और ऐसा कुछ इंटीरियर से। इधर बात करें तो रीजन में ऑन ऑफ करने के लिए स्विच और हैजार्ड लैंप का स्विच देखने को मिल जाएगा, हेल्प का बटन मिल जाएगा, अपर स्टोरेज देखने को मिल जाएंगी विथ सनवाइजर्स, और ग्रैब हैंडल तो मिलता है ही, इसको बंद कर देते हैं। तो भाई पीछे की बात करनी है तो अपन ने पीछे ही वीडियो आपको बैठा लिया, इसकी चीज़ें बता देते हैं। अच्छा 2900-3300 व्हील बेस में क्या लोड बॉडी की चेंजेस होती हैं, बाद में लंबाई की चेंजेस होती हैं, और कुछ चेंजेस ऐसे भी होते हैं कि आप आराम से ऐसे खड़े नहीं हो सकते उसमें, हो सकते हो, मैं मजाक कर रहा हूँ। तो 4687 mm की टोटल लंबाई देखने को मिल जाएगी, वहीं 4650 किलोग्राम का इसमें आप लोगों को GVW देखने को मिल जाने वाला है। और अगर लोड बॉडी की लंबाई की अगर बात करें तो 8.3 फुट की लंबाई वाली, 6.4 फुट की चौड़ाई वाली और 6 फुट की हाइट वाली लोड बॉडी आप इस पर लगवा सकते हो या फिर बनवा सकते हो अपने हिसाब से, कंटेनर वगैरह जो भी बनाना उसमें आप लोग ये कॉन्फिगरेशन काम में ले सकते हैं। बाकी 1905 mm की टोटल चौड़ाई देखने को मिल जाने वाली है इस गाड़ी के अंदर, और इस गाड़ी का टोटल रिव्यू मेरे चैनल पर देखने को मिल ही गया। तो भाई फाइनली 407 का चेसिस वीडियो भी आ गया है, तो लाइक कर दो, शेयर कर दो इस वीडियो को जमा आगे। अब थोड़ा सा इसका कॉन्फिगरेशन अपन रीमैप कर लेते हैं। तो रीमैप में 4SPCR वाला 100 PS की पावर निकालने वाला, 300 Nm का टॉर्क प्रोवाइड करवा देने वाला इसमें आप लोगों को इंजन देखने को मिल जाता है। वहीं 280 mm की क्लच के साथ में GV400 वाला 5-speed का मैनुअल गियरबॉक्स इसमें आप लोगों को देखने को मिल जाता है। बाकी सेमी इलेक्ट्रिकल स्प्रिंग वाला सस्पेंशन देखने को मिलता है, और इसका डिटेल रिव्यू मेरे चैनल पर देखने को मिल गया। लाइक कर लेना, शेयर कर लेना इस वीडियो को, बाकी कमेंट सेक्शन में बता देना और कौन से वीडियो चाहिए। मिलते हैं ऐसे किसी एक और वीडियो में, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।